हेलो अस्सलाम वालेकुम व्यूज़ व्यूज़ कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। आज हम आपकी खिदमत में एक नया वीडियो लेके आए हैं। उम्मीद है कि हमारी इस वीडियो से आपको कुछ फ़ायदा हासिल होगा। आज जिस काम पे मुझे वीडियो बनाने का मौका मिला है वो है, हमारे पास एक बल्डोजर है कमाट्सो 375A 375A-5। और आज जिस काम पे मुझे वीडियो बनाने का मौका मिला है वो इसका जो है इस डोजर का जो है मैंने रिमूव किया है। बेसिकली जो मैंने चीज़ रिमूव की है वो इसका जो डीज़ल टैंक है वो रिमूव किया था, और जो प्रॉब्लम हमें क्रिएट हुई थी यहाँ पे वो इसकी कुछ लीकेज थी, और लीकेज के बारे में जो है वो इसलिए इसे रिमूव किया मैंने। और मैंने इंटरनेट से जो है वो 375A-5 बल्डोजर की जो है वो वीडियो सर्च की है, मगर मुझे कुछ मालूमात नहीं मिली। तो मैंने सोचा कि मेरे पास जितनी भी मालूमात है इसकी, जो जो काम मैं कर रहा हूँ, तो मैं अपने व्यूज़ तक वो बात जो है वो पहुँचाऊँ। तो चलते हैं अपनी वीडियो की जानिब। तो व्यूज़, ये मेरे पास इसकी है शॉप मैनुअल है इसकी कमाट्सो 375A-5 की। और इसके बीच में जो चीज़ें मैंने आपको बताना ज़रूरी समझी हैं वो ये है कि जो इसके पीछे एक कंट्रोल वाल्व लगा हुआ है, सबसे पहले तो फ्रंट साइड पे चलते हैं। जो फ्रंट साइड पे वो जो हुकें बनी हुई हैं ये इसका पीटीओ आ गया। पीटीओ के बाद जो है वो सेकंड जो स्टॉप है इसका, ये जो है इसका टार्क इन्वर्टर है, जहाँ पर ये जो ये पाइप जो ऊपर जा रहे हैं ये प्रेशर गेजों के लिए, ये आप इससे प्रेशर चेक कर सकते हैं ईच वन का टार्क इन्वर्टर से, और जो इसका मेन हाइड्रोलिक मेन कंट्रोल वाल्व है ट्रांसमिशन का उसका, और यहाँ से जो ब्रेक के और क्लच की जो प्रेशर्स हैं वो आप चेक कर सकते हैं, वो वीडियो में अलग बनाऊंगा। तो ये इसका कंट्रोल वाल्व है एक ब्रेक का, और जो इसके रियर जो ड्राइव है उसके क्लच का। तो मैं मशीन की जो है ये रिपर वाली साइड पे खड़ा हूँ, और बैक साइड से खड़ा होकर मैं बताता हूँ आपको कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है वो डबल स्विच जो है, ये इसको फेल स्विच बोलते हैं, फेल स्विच सोलेनोइड्स जो है वो डबल स्विच सोलेनोइड्स जो है इस पर लगी हुई हैं, और दो इस तरफ हैं और दो इस तरफ हैं। और आप देखें कि मैं पिछली साइड जो है वो इसकी बैठा हुआ हूँ, ट्रांसमिशन की जो इसकी ये फाइनल ड्राइव्स की तरफ जो है इसकी ड्राइव जाती है, इसके अंदर क्लच हैं डबल डबल, दो क्लच इसकी राइट साइड पे आते हैं और दो जो है वो लेफ्ट साइड पे आ रहे हैं। और ये जो दो सोलेनोइड्स हैं जो राइट साइड पे जो सोलेनोइड्स हैं, ये सोलेनोइड्स क्लच की हैं, ये जो है राइट साइड की क्लच की है, और ये जो दूसरी सोलेनोइड है ये लेफ्ट साइड की क्लच की है। और आप दूसरी साइड पे देखेंगे तो ये राइट साइड की ब्रेक है और ये लेफ्ट साइड की ब्रेक के लिए है, ये लेफ्ट साइड की ब्रेक के लिए और ये राइट साइड की ब्रेक के लिए, और ये लेफ्ट साइड के क्लच के लिए और ये राइट साइड के क्लच के लिए। मैं दोबारा जो है एक मरतबा आपको इसका जो शॉप है, शॉप बुक है, उससे निकाल के दिखाता हूँ आपको, बड़े इजीली तरीके से समझ आएगी। आप देख सकते हैं कि ये दो सोलेनोइड्स हैं और ये दो सोलेनोइड्स के ऊपर लगी हुई हैं, और ये डबल स्विच जो है ये सोलेनोइड्स हैं। और आप देखेंगे कि ये जो पीछे इसका फिल्टर लगा हुआ है, एक इसके अंदर फिल्टर आता है, ये फिल्टर आ रहा है इसके लिए, जो कि इसके क्लच और इसके जो स्टेयरिंग ब्रेक है इनके लिए ये फिल्टर दिया हुआ है, और एक फिल्टर इसके अंदर आता है ट्रांसमिशन के लिए जहाँ से इसके गियर शिफ्ट होते हैं। तो वो वीडियो भी मैं बनाता हूँ इसकी, उसके अंदर कितनी सोलेनोइड आ रही हैं और कितने जो है फिलियर स्विच आ रहे हैं और क्या क्या चीज़ है उसके अंदर, कितनी सोलेनोइड जो है वो फॉरवर्ड की है, कितनी रिवर्स की हैं, और क्या क्या चीज़ है उसके अंदर। तो हर वक्त जो है इस पर बात करता हूँ, दो सोलेनोइड जो आ गई इसकी क्लच की आ गई, ये आप देख सकते हैं नंबर वन पर लिखा हुआ है फॉर लेफ्ट क्लच, और नंबर टू पे लिखा हुआ है फॉर राइट क्लच। और यानी कि ये जो इस साइड पर हैं ये लेफ्ट क्लच की है और ये राइट क्लच की है, यहाँ पे जो
ये जो बाहर जा रही है ड्राइव इसकी, यहाँ पे जो है इसके अंदर दो क्लच आते हैं, समझ गया, एक स्टेयरिंग क्लच है और ये दोनों जो है एक एक साइड के स्टेयरिंग क्लच आते हैं और दूसरे साइड पे उसका इसकी जो ड्राइव होती है उस ड्राइव का क्लच जो आ रहा है। और यहाँ पे अगर देखते हैं इसके दूसरी साइड पे मेनोग्राम जो है, और ये पाँच नंबर और छः नंबर, पाँच नंबर पे आप देख सकते हैं फॉर लेफ्ट ब्रेक, और छः नंबर पे आप देखते हैं तो राइट ब्रेक, फॉर राइट ब्रेक और फॉर लेफ्ट ब्रेक, ये पाँच नंबर और छः नंबर पे आप देखेंगे। और पाँच नंबर पे आपने देखा फॉर राइट ब्रेक, ये आप देख सकते हैं ये राइट साइड की और लेफ्ट साइड की ये दो सोलेनोइड दी हुई हैं। और खुदा न खास्ता कहीं भी अगर आपको ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो इन बंदा जो है ऊपर देखते हैं इसकी मैनुअली जो इसकी रिले लगी हुई हैं, इसके ये साइड पे रिले लगी हुई हैं, जो सीट है इसकी साइड पे रिले लगी हुई हैं, तो उसमें चेक करता है। उसके बाद जो है जो ईच वन इसका प्रेशर जा रहा है, ये देखिए आप दोनों क्लचों पर जो है ये देख सकते हैं कि एक ये दो क्लचों के लिए दोनों का प्रेशर दिया हुआ है, एक जो है वो क्लच का है और दूसरा जो है वो स्टेयरिंग का है, समझ गया, एक क्लच का और दूसरा स्टेयरिंग ब्रेक का, यानी एक क्लच जो है वो इसकी रोटेट का है और दूसरा जो है वो स्टेयरिंग ब्रेक का है। और इस साइड पे आप देखते हैं एक जो है वो ये क्लच सोलेनोइड जो है, इस साइड पे क्लच सोलेनोइड है, तो एक क्लच सोलेनोइड है और एक जो है वो ब्रेक का पाइप है, ये दोनों पाइप जो है आप देख सकते हैं। ये जो है इसकी अंदर ड्राइव आ रही है, एक लंबी ड्राइव है इसके अंदर और दो क्लच हैं इसके, एक यहाँ पे क्लच है और एक यहाँ पे दो क्लच आता है। और ईच वन क्लच में जो है वो नौ प्लेटें आ रही हैं इसे, इसके बीच में जो इसकी ये क्लच सामने है आपके, देख सकते हैं आप एक क्लच ये देख सकते हैं आप ब्लैक मार्क में, और ये दूसरा जो है ये देख सकते हैं आप, और राइट साइड पर आप देख सकते हैं एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। तो ये दोनों जो है ये फाइनल ड्राइव जो है, ये इसकी ड्राइव जो है ये बाहर जा रही है, तो ये क्लच जो क्लच हैं, ये क्लच की जो क्लच का जो प्रेशर है, ये क्लच के प्रेशर के लिए ये जो पाइप दिए हैं उसके प्रेशर को चेक करने के लिए, और इसकी डिटेल जो है इसके बीच में लिखी हुई है सारी, वो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करता हूँ। अच्छा, ये आ गया इसका क्लच का और स्टेयरिंग ब्रेक का जो है, ये स्टेयरिंग ब्रेक का जो है ये फिल्टर आ गया, ये पूरा एक कंट्रोल वाल्व है इसका। और इसके बाद मेरी जो प्रॉब्लम थी असल जो है इसमें थी, इस सिलेंडर में थी, इसका सील जो है वो डैमेज था, वो मैंने रिमूव किया। तो ये जो सिलेंडर है ये पार्किंग ब्रेक का सिलेंडर है, और इसकी जो गियर के साथ ये केबल जो आ रही है, ये केबल इसके साथ लगती है, और अगर ये लॉक होगा वहाँ से ऊपर से ऑपरेटिंग के दौरान पे तो फिर ये काम नहीं करेगा। तो ये इसकी मेन जो है ये पार्किंग वाल्व है, ये ब्रेक पार्किंग वाल्व जो है ना, ये उसका वाल्व है। और ये सबसे बीच जो है ये इसको सुदन सोलेनोइड जो है इसको बोलते हैं, जैसा कि आपने कहीं भी देखा होगा कि जो इलेक्ट्रॉनिक्स कहीं भी वाल्व दिए होते हैं, कंट्रोल वाल्व दिए होते हैं, उनमें एक मेन रिलीज वाल्व दिया होता है, तो ये समझो कि मेन रिलीज वाल्व है इसका, जो कि इन दोनों को कंट्रोल करता है, इसकी जो स्टेयरिंग ब्रेक का जो सोलेनोइड हैं और जो इसके क्लच की सोलेनोइड्स हैं, इन दोनों को जो है वो कंट्रोल करता है, यहाँ से ही जो है वो ऑन ऑफ होता है। और एक इसके पीछे एक सेंसर लगा हुआ है जो कि इसके टेम्परेचर का है, और याद रहे कि ये कमर्सो जो कमर्सो डोजर है ये D9R की तरह नहीं है, ये इसका जो रियर साइड है वो बहुत ही डिफरेंट है, क्योंकि इसकी जो ड्राइव है वो ड्राइव जो है इसकी बॉटम में आ जाती है, इसकी फाइनल ड्राइव जो है वो बॉटम में आती है, जबकि D9R का टॉरपिलर में जो है वो उसकी अप साइड पे जो है वो ड्राइव आती है। और इसके अलावा जो है इसके नीचे एक ही गाइड प्लेट लगी होती है छोटी, मैक्सिमम उसका 1/1 फिट जो है उसका साइज़ है, और अदरवाइज इसका कोई भी प्लेस नहीं है यहाँ से इसको देखने के लिए। सो ये क्लीन करना, और अगर यहाँ पर साइड पर लीकेज हो जाती है तो बहुत डिफ़िकल्ट है ये रिमूव करना। तो इसके बाद जो है अभी जो मैं वीडियो अपनी जो है वो आगे बढ़ाता हूँ, जो इस कंट्रोल वाल के बारे में उसका मैं पेज निकाल के आपको, और उसके बारे में जितनी भी डिटेल्स हैं वो मैं अपने व्यूज़ के साथ शेयर करता हूँ। और उम्मीद करता हूँ कि हमारी इस वीडियो से कुछ आपको समझ आया होगा, और अगर समझ ना आए तो वो आप मेरे साथ जो है वो
इसमें पूछ सकते हैं, क्योंकि ये चीज़ मैंने ऑलरेडी अभी देखी है, इस पर काम किया, तो मुझे इसकी समझ आ जाएगी। हाँ, ये दो लेने जो है, ये बताना भूल गया, ये जो पीछे शेंक लगी हुई है इसकी, वो शेंक का जो पेन होती है उसको रिमूव करने के लिए, ये कैटरपिलर में नहीं दिया हुआ है, ये कमर्सो में दिया हुआ है, ये जो दो लाइनें गई हुई हैं, तो ये शेंक का जो है ना, शेंक की पेन जो है रिमूव करने के लिए, जो इस रिपोर का शेंक है, शेंक की जो पेन है उसको रिमूव करने के लिए एक छोटा सिलेंडर दिया हुआ है, उसके लिए ये दो लाइनें यहाँ से दी हुई हैं। और बाकी जो है मैं दूसरी वीडियो में जो है ऐड करता हूँ, जो दूसरी चीज़ें हैं इसकी जो मेरे नॉलेज में है, वो आपके साथ शेयर करता हूँ। और उम्मीद है कि हमारी इस वीडियो से आपको बहुत सारा फ़ायदा होगा।